नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत। एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में या अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से पाठ्यक्रमांक 16 घुमक्कड़ तारक पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है और समुद्र के जीवों के बारे में, और बहुत बहुत सुंदर कहानी है। तो घुमक्कड़ तारक के बारे में आपको, हम समझते हैं कि आपने बच्चों को कल बहुत अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है, और आज आप इस पाठ से संबंधित बच्चों को आपने संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तुकान शब्द, इन सब के बारे में भी आपने बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है। पाठ से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट की जानकारी दी है। आप चाहते हैं कि बच्चों का आज थोड़ा पुनर्अध्ययन हो जाए, यानी कल जो आपने पढ़ाया उसका आज आप रिवाइज कर रहे हैं, यानी पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चों को आप जो भी आज थोड़ा आगे पढ़ाएं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आए, और कल का आप थोड़ा पुनर्अध्ययन करा देंगे तो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो बहुत ही पुनर्अध्ययन करना बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम चाहते हैं कि घुमक्कड़ तारक पाठ का पुनर्अध्ययन हम एक नवाचार के माध्यम से करें। लेकिन उस नवाचार के माध्यम से करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब बच्चों की अटेंडेंस लगाते हो तो बच्चों की अटेंडेंस में आपने यस सर, आपने रोल नंबर अनुक्रमांक बोला और बच्चा खड़ा होते ही क्या बोलेगा, यस सर, यस मैम। लेकिन क्या आपने ये देखा कि बच्चों ने, ये डेली रूटीन का काम है तो वो बोल के और बैठ गए, क्या उसने कुछ नया सीखा? नहीं। क्या उसके अंदर ऊर्जा है बच्चे के अंदर? नहीं। रोचकता है? नहीं। हम यहाँ पर एक ऐसे नवाचार की बात कर रहे हैं कि जिससे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, बच्चों के अंदर ऊर्जा आएगी, इसके साथ ही रोचकता बनेगी और बच्चे पुनर्अध्ययन भी करेंगे, बच्चों की अटेंडेंस भी पूरी होगी, ये सब काम एक ही जगह पे। तो चलिए हम अपने नवाचार की बात करते हैं। हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति, थीम बेस्ड अटेंडेंस। बहुत ही रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता की बात करें तो विद्यार्थी अपने पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, एक संख्या या एक वाक्य कुछ भी बता के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पुनर्ध्यान करने के लिए नवाचार बहुत ज्यादा उपयोगी है और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 15 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। इसके अलावा 15 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा बच्चों को, अगर बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है कि बच्चों की संख्या ज्यादा है तो समय ज्यादा भी लग सकता है, कम है तो कम भी लग सकता है, लेकिन 15 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में से पूर्व बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है, साथ ही पुनर्ध्यान करने के लिए ये नवाचार बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों कल हमने घुमक्कड़ तारक पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त की। आज हम इस पाठ का पुनर्अध्ययन करेंगे, वो भी एक गतिविधि से। आज आप उपस्थिति जब हम बोलेंगे ना, आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक या नाम बोलेंगे तो आपको खड़े होकर यस सर, यस मैम नहीं बोलना है। आपको इसके अलावा आपको ये नहीं बोलना है, इसके अलावा आपको क्या बोलना है, हम आपको एक थीम देंगे आपके पाठ से जुड़ी हुई, उस थीम के आधार पर आपको जवाब देना है और अपनी जगह पर बैठ जाना है। तो आपके लिए भी रोचक है, बहुत ही रोचक है ये। तो चलिए इस नवाचार को क्रियान्वित करते हैं। रोल नंबर 1, लेकिन उसके पहले बच्चों को थीम बता दी जाती है, यानी बच्चों आपको थीम बता रहे हैं हम कि आज की आपकी थीम है कि पाठ से जुड़े हुए समुद्री जीवों के नाम, शब्दावली आपकी थीम है, यानी कि पाठ से जुड़े हुए समुद्री जीवों के नाम बताना, यानी कल जो पाठ पढ़ा था इसमें समुद्री जीवों के नाम आए थे, उसमें जो भी समुद्री जीवों के नाम है उसमें से एक समुद्री जीव का नाम बता के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। रोल नंबर 1, अनुक्रमांक 1 बोलने पर एक बच्ची खड़ी होती है, सीता। सीता ने खड़े होते हुए बोला सीता ने खड़े होते हुए बोला मछली, और वो बैठ गई। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा अपने रोल नंबर के बाद समुद्री जीव का नाम बताएगा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस प्रकार हर बच्चे का पुनर्अध्ययन, घुमक्कड़ तारक पाठ का पुनर्अध्ययन आसानी से हो जाएगा। जो बच्चे सुन रहे हैं उनका तो, जो बच्चा बोल रहा है उसका तो पुनर्अध्ययन हो ही रहा है, लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पुनर्अध्ययन बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो बहुत ही रोचक नवाचार है ये थीम आधारित उपस्थिति। आप इसको अपने विद्यालय में बच्चों के साथ जरूर क्रियान्वित करें। इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से पाठ्यक्रमांक 16 घुमक्कड़ तारक पाठ का पुनर्अध्ययन हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से बहुत आसानी से किया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप नोबिटी पार्सल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।